एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली उन अपडेट के बारे में जो कि आपकी कॉलेजेस रीओपनिंग को लेके हैं। सो ऐसा सर्कुलर सामने आया है, ऐसा डिसीजन सामने आया है, जो भी कमेटी बैठी थी, जो भी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी अटेंड की थी, उसमें यही चीज सामने आई है कि मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड ईयर के जो भी कॉलेजेस हैं वो रीओपन होने वाले हैं। एटलीस्ट जो भी आपके कॉलेजेस हैं वो रीओपन हो जाएंगे अगर आप थर्ड ईयर में है। इट मीन्स 1 फरवरी से मोस्ट प्रोबेबली आर कॉलेजेस आर गोइंग टू रीओपन ऑन फिजिकल मोड। बट इसमें क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कॉलेजेस रीओपन होंगे या नहीं होंगे। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम जस्ट बिकॉज वी ऑल नो दैट हाउ वी आर सफरिंग दिस कोविड पैंडमिक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग टूगेदर। देर आर ऑल्सो सो मेनी आर्टिकल्स एंड सर्कुलेशन आर रिवॉल्विंग अराउंड अस दैट कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जो भी हमारे कॉलेजेस हैं वो खुलने वाले हैं और काफ़ी डेट्स भी सामने आ रही हैं, काफ़ी फेक नोटिस भी सामने आ रहे हैं। सो उन सब पे बिलीव मत करना। जो भी नोटिस होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर मिलेगा कि व्हेन योर कॉलेजेस आर गोइंग टू रीओपन स्पेशली फॉर फ्रेशर्स और द सेकेंड ईयर वंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी से थर्ड ईयर के खुल जाएँ कॉलेज, तो देर आर चांसेस कि सेकेंड और फर्स्ट ईयर के भी कॉलेजेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, ऑन गोइंग कंटिन्यू मोड पर स्टार्ट हो जाए। बट दिस टाइम दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर। ये कोविड पैंडेमिक है तो बहुत डिफिकल्ट है चीज़ों को मैनेज करना। ऑब्वियसली फिजिकल मोड पे भी बहुत डिफिकल्ट है जस्ट बिकॉज इतने ज़्यादा नंबर में बच्चे हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। सो ये एक अपडेट था जो भी आपके कॉलेजेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। हो सकता है कि 1 फरवरी के बाद कुछ महीनों बाद या फिर हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपके भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएं जस्ट बिकॉज इसमें चांसेस हैं। अभी भी काफ़ी अच्छी चीज़ हमारे सामने आई है कि जो वैक्सीन्स हैं वो हमें अवेलेबल हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो मे बी हो सकता है कि देर आर चांसेस दैट योर कॉलेजेस आर गोइंग टू रीओपन स्पेशली फॉर सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो थर्ड ईयर के लिए तो ये अपडेट आई है, जो भी कमेटी में सामने आया, जो भी डिसीजन सामने आया कि 1 फरवरी से मोस्ट प्रोबेबली जो आपके कॉलेजेस हैं वो रीओपन हो जाएं जस्ट बिकॉज थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन सामने हैं और उनकी स्टडीज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो लेट्स सी एंड आई होप एंड आई विश दैट आर कॉलेजेस मे गेट रीओपन अगेन एंड वी वुड बी एबल टू परस्यू आवर स्टडीज एट अ रेगुलर मोड। किसी भी फेक आर्टिकल पे आपको बिलीव नहीं करना है, किसी भी फेक नोटिस पे आपको बिलीव नहीं करना है। जैसे कि 1 जनवरी था, 20 जनवरी के अराउंड कुछ था, 3 जनवरी था, ऐसे काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं नोटिस जिसमें ये चीज़ की जा रही है कि आपके कॉलेजेस रीओपन होने वाले हैं। जो अपडेट था वो मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली देर आर चांसेस कि आपके भी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएं आफ्टर फरवरी मंथ के बाद देर आर चांसेस कि आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए, और थर्ड ईयर के लिए तो शायद हो भी जाएगा 1 फरवरी। तो ये चीज़ थी, आपको अपडेट देना मेरा काम था। इसमें मैंने कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं किया है। आई एम नाइदर कन्फर्मिंग यू एनीथिंग, नाइदर आई एम मेकिंग यू श्योर अबाउट एनीथिंग दैट our colleges are going to reopen on this particular date. So there is nothing like that. आप इस चीज़ में believe मत करना। मैं simple आपको एक update दे रही हूँ कि there are chances that your colleges may reopen as soon as possible just because क्योंकि third year के लिए chances सामने हैं और chances दिख रहे हैं, that is on 1 फरवरी। तो मैं किसी भी चीज़ को लेकर श्योर नहीं कर रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।